आपने बाजार तो कई तरह के सुने होंगे, लेकिन क्या आपने शादी के लिए बाजार लगते हुए सुना है? जी हाँ, चीन के शंघाई में पीपल्स स्क्वायर के पीपल्स पार्क में कई सालों से एक अनोखा शादी का बाजार लगता है। इस बाजार में शादी का सामान नहीं बल्कि रिश्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। एक चीनी वेबसाइट के अनुसार ये बाजार यहाँ लगभग 2005 से लग रहा है। हर वीकेंड में शनिवार के दिन इस बाजार का आयोजन होता है। कड़कड़ाती ठंड हो, बारिश हो या गर्मी हो, किसी भी स्थिति में बाजार ना लगा हो ऐसा कम ही मौकों पर देखा गया है। ये बताना तो मुश्किल है कि वास्तव में ये विचार किसका था और औपचारिक रूप से इस बाजार की शुरुआत कैसे हुई, पर एक अनुमान के अनुसार ये लोगों की मॉर्निंग वॉक के दौरान शुरू हुई बातचीत से शुरू हुआ होगा। बताते हैं कि पहले पीपल्स पार्क में लोग सुबह सवेरे घूमने आते थे और एक दूसरे को अपने परिवार में मौजूद शादी योग्य बच्चे के बारे में चर्चा करते थे। बाद में धीरे धीरे लोग इसे रिश्ते की बात करने की अनौपचारिक जगह के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। अब ये एक रिश्ता बाजार के रूप में तब्दील हो चुका है। इस बाजार में लोग सड़क किनारे कागज की शीट पर चीनी भाषाएं, विशेष रूप से मैड्रिन में विवाह योग्य लड़के लड़कियों के बायोडाटा लेकर बैठे रहते हैं। इसमें लड़का या लड़की की उम्र, सालाना तनख्वाह, पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा, जन्मदिन और जोड़ी एक साइन वगैरह लिखा होता है। विवाह योग्य लोगों, माता पिता या दादा दादी आदि आपस में इन बायोडाटा को बदल लेते हैं या फिर बाजार में आने वाले दूसरे लोगों को देते लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बाजार में बढ़ती भीड़ की एक बड़ी वजह चीन में सेक्स रेशियो का असंतुलन भी है, जहां लड़कों की तादाद लड़कियों से कहीं ज्यादा है। वैसे चीन में शादी करने का पारंपरिक तरीका नहीं है, इसके बावजूद यह कई रूढ़िवादी परिवार के लोग आते हैं जिनके परिवार में 35, 40 या उससे ज्यादा उम्र के अविवाहित बच्चे हैं और उनके पास यह आने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लोग मानते हैं कि शादी के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आपस में मिल सकते हैं। ऐसे में अगर बात बन जाती है तो क्या बुरा है। वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स, ऑनलाइन मैरिज वेबसाइट, मैचमेकिंग पार्टी से हटकर शादी के इस अनोखे बाजार में रिश्ते जोड़ने की कोशिश हो रही है, पर फिलहाल इसे सफलता कम ही मिल पा रही है। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।